हेलो एवरीवन। सो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे जीन पियाजे की थ्योरी में से ही, क्योंकि हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वही क्वेश्चंस हम साथ में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, हम डिस्कस करते चलेंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो। ये प्रीवियस ईयर वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमने क्या देखा था? स्टेजेस सेंसरी मोटर स्टेज वन, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, स्टेज टू कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, थर्ड स्टेज कौन सी है? ये थर्ड स्टेज एंड लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल। जब फॉर्मल एजुकेशन बच्चा लेता है, याद रखना, फॉर्मल एजुकेशन वाली स्टेज सबसे लास्ट स्टेज है, फॉर्मल एजुकेशन वाली, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसिस वाली ये भी याद रखना, सेंसरी मोटर सेंसिस वाली सबसे पहली वाली स्टेज, बच्चा सेंसेस के थ्रू सीख रहा है। बीच में आएंगी दो, प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट आएगी हमारी लेटर चाइल्डहुड की, जो है स्टेज थ्री, और इसकी अगर हम एज डिस्कस करें तो 7 to 11, ठीक है, 7 to 11 वाली तक ये रहेगी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, ये एज लेटर चाइल्डहुड की एज है ये। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि इसका आपने देखना है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की इसकी करेक्टरिस्टिक बतानी है इसमें से आपने। ठीक है, देखो, पहला है एबिलिटी टू कंजर्व। कंजर्व मींस कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कब आती है बच्चे में? ठीक है, कंजर्वेशन जब बच्चा देख रख से या कोई चीज उसके पास पड़ी हुई है, उन दोनों चीजों की क्वांटिटी क्या है सेम। जैसे हमने डिस्कस किया है पिज्जा है एक, ठीक है, ये है एक पिज्जा, पिज्जा की है 4 स्लाइसेस। अगर अब हमने यही स्लाइसिस को अलग कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम है ये ज्यादा है, मींस ये दोनों सेम है। तो ये कंजर्वेशन मींस दोनों चीजें सेम है, क्वांटिटी सेम है, ये किस स्टेज में आती है? एबिलिटी टू कंजर्व। ठीक है, देखो, जो सेकंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल, ये स्टेज लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। जब बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आएंगी ना, जब बच्चा लॉजिकली सोचेगा हर चीज को, तभी ये स्टेज आएगी, तभी वो बच्चा कंजर्वेशन कर पाएगा। इलॉजिकल बच्चा नहीं कर सकता, जब बच्चे के अंदर सोच ही नहीं आ रही कि इस मेंटल ऑपरेशन ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव मीन्स बहुत ही टाइप में सोचना, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स होते हैं, ये थोड़ी हाई थिंकिंग वाले, हाई रीजनिंग वाली स्टेज में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर रिएक्शन मतलब बच्चा बार 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 रिपीट कर करके चीजें सीखता है, सर्कुलर रिएक्शन बच्चा देता है। ठीक है, ये भी बताती हूँ आपको, किस स्टेज में आएंगे? एनिमिस्टिक थिंकिंग, मतलब बच्चे के अंदर ये है कि एनिमिस्टिक, हर चीज क्या है, एनिमल या लिविंग थिंग है, हर चीज में जान होती है, हर चीज में जैसे वो खुद है, बच्चा सोचता है वो उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो भी वैसा है, मींस क्या है, हर एक चीज लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग है। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग आएगी जब बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी, मींस स्टेज टू, सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज टू, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, मतलब बच्चा अभी बार बार चीजों को रिपीट करता रह रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। फिर देख रहे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक जो सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा होता है, एक इन्फेंट होता है, क्या करता है, जब वो थंब सकिंग करता है, अगर उसको वो चीज अच्छी लग रही है, वो बच्चा बार बार देख ही जा रहा है, उसको करता रहता है, वो इस चीज को एक हैबिट बना रहता है। तो ये आएगी हमारी स्टेज वन में सेंसरी मोटर स्टेज। हाइपोथेटिक डिडक्टिव सबसे मतलब कि जब एडवांस लेवल की रीजनिंग बच्चे में, ऑब्वियसली लास्ट स्टेज में फॉर्मल थिंग, फॉर्मल ऑपरेशनल जो आएगी हमारी, अगर 12 से ये जो टीन एज एडोलेसेंस टाइम है, ठीक है, 17 या 18 तक, ठीक है, ये आती है हमारी फॉर्मल में। तो जो एबिलिटी टू कंजर्व है, ये आएगा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्टेज थ्री। ये कौन सी है? स्टेज थ्री, जैसे मैंने यहां पे भी लिखा है, समझो, स्टेज वन
2, स्टेज 4, स्टेज 3, हर एक स्टेज उन्होंने बता दी है यहाँ पे, याद रखना है। एनिमिस्टिक में मतलब लॉजिकल थिंकिंग नहीं आ रही, बच्चा समझ रहा है कि हर एक चीज क्या है, लिविंग थिंग है, तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। अगर लॉजिकल थिंकिंग नहीं है ठीक है बच्चे में, तो बच्चा कंजर्व नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि दो चीजों की क्वांटिटी सेम है, ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेज के पॉइंट है। सर्कुलर रिएक्शन बच्चे रिपीट करके सीख रहा है। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स हाइपोथेटिक, मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग आ रही है। हर एक स्टेज एक दूसरे से, ये पॉइंट्स एक दूसरे से अलग है, यही समझो। और इसका करेक्ट आंसर होगा एबिलिटी टू कंजर्व, ठीक है। मीन्स जो ऑप्शन ए है वो है राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ आया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप क्वेश्चन करें। थैंक यू।